Hey, what's going on, guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to the video. And guys, आज हम लोग आ चुके हैं बहुत दिनों के बाद आपकी डिमांड पर GTA 5 रेस में. और guys, आज हमारे साथ है Mr. Chop the Noob. And आज हम लोग आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं Los Santos में. भाई मौसम जो है बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो चुका है guys. अरे अरे धक्का देना बंद करेगा नूबड़े. छोटू भाई मेरे को आगे जाने दो भाई, आप तो नहीं पीछे कर सकते मेरे को. अरे अरे भाई भाई देख रहे हो भाई हड़बड़ी देखो इसके अंदर. अभी रुको इसको बताता हूँ मैं, मेरे से आगे निकलेगा छोटू. अरे भाई साहब थक्का लग गया भाई. ओए हट जा सामने से भाई, देख रहा है फ्रॉस्टी द प्रो आ रहा है ब्रो. छोटू भाई ज्यादा आगे नहीं रह पाओगे भाई, देखो आ रहा हूं मैं पीछे से. अरे भाई बहुत तेजी में आ रहा है लगता है ये गाइस. डोंट वरी आपका फ्रॉस्टी भाई यहां पर एकदम टकली मार के निकालेगा. ये देखो भाई आगे ब्रेक 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 ब्रेक. अरे भाई गाड़ी ठुक जाती. अरे भाई किसका ये भाई साहब फ्रूट वेजिटेबल वाला शॉप था, पर लोग ने डिस्ट्रॉय कर दिया. एंड ये देख चॉप अपने को स्विमिंग पूल के ऊपर से ले जाने का है भाई. ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट. यहां पे गाइस बहुत दिनों के बाद हम लोग मार दिया है सुपर ऑसम जंप. और ये क्या हो गया? अरे गाड़ी को क्या हो गया भाई? अरे नहीं 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 जल्दी सीधा हो चॉप निकल जाएगा. अरे भाई कैमरा मेरा खराब हो गया था गाइस. चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा आगे जाने दो, नहीं तो भाई ये भी बेचारा परेशान होकर रेस क्विट कर देगा यार. इसीलिए गाइस भाई ऐसा नहीं बोलो यार, मैं रेस नहीं क्विट करूंगा फोर्ट भाई, आपको पीछे करके ही हारूंगा. ऑलराइट ऑलराइट, कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्त तुम्हारे अंदर रहा, लेकिन क्या ये सही रास्ता है? क्योंकि गाइस आई थिंक मेरे को लगता है हम लोग गलत रास्ते पे आ चुके हैं. चेक पॉइंट तो पीछे की तरफ है एंड आई डोंट थिंक यहां पे चेक पॉइंट मिलेगा. तो ये लो पोइंग उड़ गया हवा में. फोर्ट भाई तो धक्का क्यों मारा भाई, गलत रास्ता था तो यार. अरे हाँ यहाँ पे भी रॉन्ग वे बता रहे गाइस एंड आई डोंट थिंक हम लोगों को इस रास्ते में आगे बढ़ना चाहिए. ऑलराइट तो गाइस जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, अपन लोग नीचे गिर गए. लेकिन नीचे गिरने से मेरे को पता चला कि वो गलत रास्ता है और अब सही रास्ता पकड़ना पड़ेगा ना ब्रो. तो सही रास्ता के लिए अपने को भाई यहाँ पे बिल्डिंग विल्डिंग में घुसाना पड़ेगा. हड़ जाओ भाई, फ्रॉस्टी भाई गाड़ी लेके आ रहे हैं. और ये देखो ओ भाई मिल गया चेक पॉइंट. चॉप द नूब अभी भी पार्कोरी कर रहा है गाइस. फोर्ट भाई मेरे को पहले बता रहा था यार, आप तो निकल गए भाई धक्का देके मेरे को. अरे तो धक्का दिया तो था तेरे को यार, अब कितनी मदद करूं? देख रहे हो गाइस हाथ पकड़ के उतार रहा हूं मैं, मत जा इधर मत जा. लेकिन नहीं तुम्हें तो भाई साहब ऊपर हीरोपंती करनी है. छोटी बच्ची हो क्या? छोटू भाई छोटी बच्ची नहीं हो भाई, छोटा चॉप हूं मैं. अरे ठीक है भाई ठीक है, तुम चॉप बनो. अपने को भाई यहां पर यार फोकस करने दो रेस के ऊपर. ऑलराइट हियर वी गो गाइस, हम लोग आ चुके हैं स्कूल के रेसिंग ट्रैक पे. एंड यहां पर अभी कोई बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है, लगता है इतना डेंजरस मौसम है तो बारिश का डर होगा गाइस सारे स्कूल वालों को, इसीलिए लोगों ने जल्दी छुट्टी दे दी. एंड अब इसका मतलब है दोस्तों कि हम लोग जितना चाहे उतना गाड़ी भगा सकते हैं. अरे भाई भाई यहाँ पे फ्यूल टैंकर रखे हुए, ध्यान से आगे जाना पड़ेगा दोस्तों. और ये देखो भाई बहुत सारे चेक पॉइंट्स है गाइस इस रेस के अंदर. एंड अभी तक हम लोगों ने आधे ही चेक पॉइंट्स पार किए हैं, आधे से भी कम किए, इनफैक्ट आधे भी नहीं किए गाइस, मोर लाइक 1 out of 3 चेक पॉइंट पार किए हम लोगों ने. सो लेट्स गो, अभी स्पीड पकड़ने का समय है दोस्तों, पीछे मुड़ के नहीं देखना है. फास्ट एंड फ्यूरियस स्पीड में यहाँ पर आ चुका है जंप हमारे सामने. एंड अरे भाई इतना हाइप करने के बाद ब्रेक मार दिया यार, ये जीते वाले सुधरेंगे नहीं भाई साहब. एक्शन तो ऐसे देते हैं जैसे लगता है भैंस क्या धूम फोड़ निकालने वाले, लेकिन जब मूवी रिलीज करते हैं तो गाइस पता चलता है यार हीरोपंती बना रहे थे. चलो कोई बात नहीं, अभी अपने को भाई यहाँ पे छत के ऊपर चढ़ा दिया गया है किसी मस्त वाले होटल के ऊपर. एंड आई थिंक गाइस यहाँ पर गिरने के रास्ते बहुत ज्यादा है तो हम लोगों को बीच में गाड़ी मेंटेन करके चलनी पड़ेगी. बट चॉप क्या चॉप यहाँ पर सक्सेसफुली आगे बढ़ पाएगा? वेल वो तो चॉप ही बताएगा. और मैं टेलीपोर्ट कहाँ हो गया? व्हाट भाई अपने को ऐसा टेलीपोर्ट वेलीपोर्ट मत क्या करो यार, इतनी मेहनत से ऊपर चढ़ रहे थे, मेरे को पता होता टेलीपोर्ट है तो मस्त एक्सीलरेटर दबाते. लेकिन आई थिंक गाइस ये देखो यहाँ पर इन लोगों ने भाई बहुत ही ज्यादा स्मार्ट तरीके से एक छोटू सा रैंप लगा दिया है ताकि जो नूब लोग हैं, अबे ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, कॉफी पी रहे हैं बैठ करके. अरे नहीं 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 मेरी गाड़ी अटक गई, डैम इट गाइस. चलो कोई बात नहीं दोस्तों, एक और बार ट्राई मारते हैं. यहाँ पर रिस्पॉन होना बुरी बात नहीं है, लास्ट प्लेस आना बुरी बात है. एंड गाड़ी फिर ठुक गई, अबे ये ठुकती रहती है भाई. चलो गाइस आगे चलना पड़ेगा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इन लोगों ने साइन बोर्ड भी लगाया है कि भैया जी इसी डायरेक्शन में आगे जाइएगा. अरे यार भाई सीधे रास्ते में गाड़ी कैसे पलट जाती है मेरे को समझ में नहीं आता है. बट गाइस ये जो गाड़ी है ना इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज्यादा कम है, इसके वजह से जब ठोकर होती है तो भाई साहब पूरा का पूरा गाड़ी हवा में लॉन्च हो जाता है, इसके वजह से अपन लोग ऐसा 180 डिग्री मार लेते हैं. बट डोंट वरी दोस्तों, क्योंकि मेरे को भाई यहाँ पे ये छोटी मोटी चीजें तो बिल्कुल नहीं रोकने वाली, जब बड़े बड़े रैंप नहीं रोक पाए हमें. अब चल जा भाई क्या कह के मानगी. ऑलराइट लेट्स गो गाइस, सामने रैंप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम लोगों को मारना है एक राइट टर्न. एंड इसके बाद कहाँ जाएंगे? वो सीधा छत के ऊपर आ गए. व्हाट? ऑलराइट यहाँ पे लेते हैं गाइस चेक पॉइंट. एंड सामने की तरफ में है एक जबरदस्त जोरदार लंबा वाला रैंप, पर फिसल गया भाई. ओह माय गॉड गाइस इतना घटिया किस्मत में कैसे फिसल गया. चलो कोई बात नहीं, एक बार गलती होती है बच्चों से भी, लेकिन अपन लोग तो फिर भी प्रोज है गाइस. आज यहाँ पे चलते हैं, एक बार फिर से हम लोगों को स्कूल के छत के ऊपर चढ़ा दिया गया है. आई डोंट नो कहां से जाना है, एरो तो इधर बोल रही है तो चलो इधर ही चलते हैं. ओह माय गॉड इतना पतला रास्ता, क्या हमारी गाड़ी यहाँ पे फिट हो पाएगी? ऑलराइट गाड़ी तो फिट हो गई, लेकिन दोस्तों क्या अपन लोग ये जंप कर पाएंगे? अरे थोड़ा लेट एक्सेलरेट
एक्सेलरेटर दबाया था, लेकिन चलो भाई काम हो गया तो अब फर्क नहीं पड़ता है। ये देखो गाइस सामने देख रहे हो कितना बड़ा बूस्टर है, आई थिंक हम लोग को यहाँ पे फुल स्पीड में जाने का है। एंड हियर वी गो, 3, 2, 1 बूम। ओ भाई एकदम मिसाइल के जैसा निकले गाइस। और अरे जादू, व्हाट, अपन लोग आसमान में चल रहे थे गाइस, देखा एक इनविजिबल रैंप लगा के रखी थी उन लोगों ने। यार ये जीटीए वाले भाई, अपन लोग खेलना क्या खत्म किया रेसेस इनका, इन लोगों ने तो अपना रेस का लेवल ही बढ़ा दिया। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, अब हम लोग वापस आ चुके हैं। और अगर आपको ऐसी और जबरदस्त और धमाकेदार वीडियो चाहिए जीटीए के ऊपर तो आपको पता है क्या करना है, लाइक मारो लाइक, ठीक है। चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना माई फ्रेंड्स, क्योंकि यार आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत जरूरी है। से पता चलता है दोस्तों कि आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, हमें ऐसी वीडियोस और लेके आना है। और गाइस जल्दी से कमेंट करके बोल दो GTA 5 OP, और थोड़ा सा यू नो चॉप ओपी बोल देना, बेचारा यार ऐसा सैड सा हो गया है लास्ट प्लेस पे, बट डोंट वरी चॉप, अपन लोग तुम्हारा प्रॉब्लम दूर कर देंगे। देखो यहां पे गाइस अभी अपने को आना था, हम लोग फर्स्ट टाइम में यही पहुंच गए थे, और आप लोग देख सकते हो अपन लोग सही रास्ते पे, क्योंकि रेस क्रिएटर ने गाइस यहां पर बहुत सारे चेक पॉइंट्स छोड़े हैं। आओ देखते हैं जरा आगे बढ़ के। ऑलराइट, यहां पे लेफ्ट में आप लोग देख पा रहे हो एक चेक पॉइंट है, ये देखा आपको, इससे पता चलता है भाई कि आप सही रास्ते पे हो। लेकिन वेट अ सेकंड, अबे चेक पॉइंट तो दे दो मेरे को भाई, ये क्या चेक पॉइंट है, देख रहे हो, देखो भाई मेरे साथ मजाक कर रही है। हाँ भाई तू ट्रोल कर ले पहले, ऐसे चॉप हमारी जिंदगी में कम था भाई, जो अब चेक पॉइंट्स भी हमें ट्रोल कर रही है। ऑलराइट हियर वी गो गाइस, आई थिंक वी नीड टू जंप, एंड क्या ब्रेक लगेगी सही समय पर। ओ भाई पूरा ड्रिफ्ट मारते हुए गाइस अपन ने डिस्ट्रॉय कर दिया वो बोर्ड, बट इट डजंट रियली मैटर क्योंकि हमें जाना है इधर सर जी। ओ माय गॉड, छतों के ऊपर जंप कराते हुए जा रहे हैं भाई, इतना अच्छा तो यार अपन लोग क्रिश बन के नहीं जंप कर पाते जितना अच्छा हम लोगों ने गाड़ी से जंप करवा दिया। एंड क्या गाइस हम लोग ऊपर चढ़ा पाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी फिसल सकती है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स में ले लूं, अरे 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 भाई 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 थोड़ा डेंजरस मामला पानी हो गया, काम करते हैं बर्नआउट मार के लाइन करके तब जंप करते हैं। एंड ब्रेक 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 ब्रेक, ओ भाई इस टीवी सिग्नल ने बचा लिया गाइस, अगर ये टीवी डिश वाला चीज नहीं होता ना अभी हमारे सामने एंटीना तो भाई अपना गेम बजा था भाई, अभी नीचे गिरते मुंह के बल हमारे हाथ से निकल जाता चेक पॉइंट। अरे यार डैम इट गाइस, लगता है इतनी मेहनत काम नहीं आई, नहीं एक्चुअली काम आई क्योंकि तभी तो हमें ये चेक पॉइंट मिला। ऑलराइट लेट्स गो, एक और बार करना उतना मुश्किल नहीं है दोस्तों, अपन लोग इसको इस बार इजीली कर लेंगे। एंड बूम शज़ाम, ऑलराइट गाइस चेक पॉइंट मिल चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि रेस बनाने वालों के दिमाग में कुछ और ही था हमारे लिए, तो अब हमें वो लेकर के चले हैं बीच के किनारे समुंदर के पारे। तो आइए देखते हैं क्या होता है दोस्तों समुंदर के पार, क्या हमारे लिए एक जबरदस्त बोट खड़ी है या फिर मौत को दामन देने वाला रेस चैलेंज। मेरे को तो लगता है सेकंड वाला ऑप्शन है, बट कोई नहीं गाइस अभी अभी अपन लोग पता लगाएंगे ना। आप लोग मौसम देख रहे हो, ऐसा लग रहा है गाइस एक बहुत जबरदस्त तूफान आ रही है, और वो तूफान गाइस समुंदर में ही आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि जमीन पे तो आएगी नहीं, मौसम बर्बाद हुआ है, बारिश हो रही है, आई थिंक बारिश भी नहीं स्नो हो रही है भाई, पूरा का पूरा हेल स्टॉर्म आ चुका है गाइस। एंड मेरे को चेक पॉइंट्स नहीं मिल रहे, फॉर गॉड सेक यार सामने लगाया करो ना। ओ भाई क्या है ये, अबे कहां से जंप करवा रहे भाई, अगर एक भी इंच आप लोग गलत कदम रखोगे गाइस तो सीधा नीचे गिर जाओगे। एंड ये देखो भाई साहब कौन है भाई जो इतनी ऊंचाई पे यार फ्रूट्स बेच रहा है, बताओ मेरे को इनके कस्टमर्स कौन है भाई साहब, अपन लोग तो आके डिस्ट्रॉय करके चले जाते हैं इनका धंधा भाई, बेचते किसको है ये। तो भाई मेरे को लगता है ये बेचने के लिए नहीं रखे फ्रूट भाई, ये उनके लिए जिन लोगों को खाना खाने का मन कर जाता होगा। वेल दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन, बट अब क्या ही कर सकते हैं ब्रो, हम लोग यहाँ पर यार इनका इंतजार करने के लिए नहीं बने हैं, हमें भाई अपना काम से काम रखने का है। और ये देखो भाई फिर से एक चेक पॉइंट मिल चुका है गाइस, एंड आई फील लाइक अगर हम लोग यहाँ पर रेस करें फुल स्पीड में तो वो देखो लेफ्ट साइड में रैम दिख रहा है आपको इतना बड़ा सा, आई थिंक हम लोगों को उसके ऊपर जंप मारना है दोस्तों। गाइस ये लोग भाई सीधा सीधी नहीं ले जाने वाले भाई रैंप तक, पूरा घुमा करके लाएंगे, लेकिन चलो कोई नहीं, ये रहा गाइस सामने में रैंप, क्या आपको लगता है हम लोग इधर बीच से निकल पाएंगे। एंड शूश एकदम इजी। ऑलराइट गाइस स्पीड यहां पर बहुत ज्यादा हम लोगों की बढ़ चुकी है। ओ भाई कहां से निकाल रहे यार, दो दो तीन तीन अपन लोग सर्कल्स के बीच से आए हैं। एंड लुक एट दैट गाइस, देख रहे हो समुंदर कितना ज्यादा डरावना लग रहा है, एकदम डार्क डार्क सी फीलिंग आ रही है। वेल कोई बात नहीं, ओ माय गॉड, अरे वॉल राइड कहां से दे दिया भाई, मतलब बिना बताए अचानक से ऐसे सरप्राइज मत दिया करो यार, इतने दिन के बाद कर रहे, थोड़ा बताओ ताकि आया करो, बट कोई बात नहीं, हमारा पुराना दोस्त है गाइस वॉल राइड, इसको तो ऐसे चुटकी बजा के कंप्लीट कर लेंगे। एंड लुक एट दैट जंप लेडीज एंड जेंटलमैन, और ये देखो एकदम स्मूथ लैंडिंग। ओ ब्रेक 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 भाई, ब्रेक के चक्कर में अभी पानी में गिर जाता। ऑलराइट गाइस यहां पर हम लोगों को माना है एक लेफ्ट टर्न, एंड इतना धुआं धुआं क्यों है भाई, फोटो भाई लगता है आग लगी है भाई समुंदर के अंदर। ओहो देख रहे हो आग लगी है समुंदर के अंदर, यही पढ़ाई किया है तू भाई, व्हाट द हेल मैन। फोटो भाई मेरे को लगा आप इतना ड्रिफ्ट मार रहे हो भाई, चक्के जल रहे उसी से आग लगी होगी भाई। हां वैसे ये बात तो है गाइस, ड्रिफ्ट तो
अपर लोग बहुत ज्यादा मार रहे हैं और ड्रिफ्ट से गाइस एक ही चीज होती है, देख रहे हो अभी, देख रहे हो धुआं निकल रहा है हमारे चक्कों से, लेकिन इतना ज्यादा कौन समुंदर के अंदर बैठ के ड्रिफ्ट मार रहा है भाई कि नॉन स्टॉप धुआं ही निकले ला रहा है भाई। अब मेरे को देखो भाई, ऐसा थ्योरी सॉल्व करने का टाइम नहीं है गाइस, अगर मैं ध्यान नहीं दिया समुंदर का पानी ऊपर आ जाएगा, हमारी गाड़ी का इंजन को फ्लड कर देगा और एक बार वो हो गया तो अपन लोग खड़े खड़े फेल हो जाएंगे। और आप लोग देख सकते हो एकदम समुंदर के सरफेस पे ही हम लोग रेस कर रहे हैं गाइस, यहाँ पर एक भी छोटा सा ब्रेक भी मार दिया ना गलत समय पे तो भाई आपका इंजन खराब हो सकता है। ओ भाई 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 आराम से भाई, अरे यार ये समुंदर के ऊपर भाई बड़ा मुश्किल हो गाइस, मतलब रोड के ऊपर गिरो तो भाई ठीक है कहीं से यार रास्ता ढूंढ के चढ़ के वापस आ सकते हो, बट समुंदर में तो देयर इज नो वे, इंसान गिर जाए भाई वो लौट के ना आ पाए, गाड़ी तो दूर की बात है गाइस। एंड अबे चेक पॉइंट कितनी दूर दे दिया यार अगला वाला इन लोगों ने, भाई 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 अभी डर लग गया गाइस, मेरे को यू टर्न मार रहा था, अभी हमेशा के लिए टर्न हो जाता है इस दुनिया से। चलो 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 इजी पीजी और देयर वी गो। ओके तो अगला चेक पॉइंट मेरे को दिख चुका है गाइस, उस तरफ हमारा इंतजार कर रहा है, लेकिन क्या हम लोग समय खत्म होने के पहले वहां पे पहुंच पाएंगे, आइए देखते हैं। ओके तो यहां पर गाइस हम लोग को जाना है एकदम फुल स्पीड में और ब्रेक। ओ भाई मेरे को यार इतने मस्त वाले स्टंट नहीं करने चाहिए भाई, अभी फिसल के गिर जाता मैं पानी में गाइस, मेरे को 90% लगा था हम लोग फेल कर जाएंगे बट स्टिल मैंने कर दिया। यू नो व्हाट, कभी-कभार लाइफ में रिस्क लेने चाहिए गाइस, हमेशा सेफ खेलोगे तो मजा नहीं आएगा। एंड ये देखो भाई क्या जंप मारे आप उन लोग ने, सीधा लैंडिंग। ऑलराइट तो गाइस यार अरे 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 भाई 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 समुंदर में एरोप्लेन कहां से आ गया यार। चलो गाइस कोई बात नहीं यार, एक बार अपन लोग भाई यहां पे धोखा खा गए लेकिन दूसरी बार ऐसा नहीं हो पाएगा दोस्तों, इस बार अपन लोग स्लोमो में जाएंगे। ऐसे फर्स्ट ही बार में मैं निकल जाता भाई, लेकिन क्या बोले अपन लोग की थोड़ी सी तकरार हो गई यहां पर एज पर और उसकी वजह से हमारी गाड़ी ऐसे बेब्लेड के जैसा नाच करके पानी के अंदर चली गई, लेकिन दोस्तों इस बार हम लोग नहीं नाचेंगे, इस बार रेस ट्रैक नाचेगा। और ये देखो भाई मैं बोल रहा हूँ ये नाच भी रहा है, व्हाट द हेल 360 मार रहे भाई, लेकिन देखो टाइमिंग देख रहे हो हमारी, बिना टकराए निकल गया दोस्तों, वो अलग बात है मैं उससे फ्रूट वाले के ठेले से टकरा गया, लेकिन भाई गलती उसी की थी यार, मैं नहीं जानता भाई तुम्हें किसने बोला सुबह सुबह आके भाई ठेला लगा दो यहाँ पे समुंदर के बीच में जहाँ पे लोग रेसिंग कर रहे हैं नेवरदलेस। और अरे भाई यहाँ पे थोड़ा सा गाइस हमारी स्किल को टेस्ट किया गया, डोंट वरी इट्स ऑल अंडर कंट्रोल। एंड यहाँ पर गाइस मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा ठीक है, क्योंकि चेक पॉइंट भाई बहुत देर के बाद मिली है यार, अगर यहाँ गिर गया ना मैं अपनी बेवकूफी की वजह से तो भाई मैं मुंह नहीं दिखा पाऊंगा खुद को। भाई मैं भी आ रहा हूँ भाई समुंदर वाले पार्ट पर, मेरे लिए रुक जाओ यार। अरे रुकेंगे दोस्त रुकेंगे, बिल्कुल रुकेंगे, लेकिन तुम्हें DNF देने के बाद। ओहो अरे भाई लगता है इस रेस को पसंद नहीं आया गाइस कि अपन लोग ने चॉप के साथ ऐसा किया, तो चलो भाई फिर से यहाँ पे करते हैं फुल स्पीड में। अरे ब्रेकर क्यों मार दिया भाई, फुल स्पीड में जा तो रहा था मैं। चलो गाइस को नहीं एक और बार ट्राई मारते हैं। ये देखो भाई सब सामने में यहाँ पे यॉट लगा के रखा है इन लोगों ने और एक और रैंप दिया है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग गाइस इस रैंप के ऊपर हम लोगों को लाइन अप करके जाना है सीधा अगले रैंप के ऊपर, मिडवे मारेंगे ड्रिफ्ट ताकि गाड़ी सीधी हो जाए, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा ना ऐसे। ऑलराइट गाइस यहाँ पर एक और छोटू सा रैंप दिया है, आई एम प्रिज्यूमिंग कि हम लोगों को सेम चीज करनी है जो पिछले वाले रैंक के साथ किया हम लोगों ने यहाँ पर। हियर वी गो, फिर से मिड एयर ड्रिफ्ट एंड ओहो भाई एज पे देखा अभी फिसल जाते यार, लेकिन थैंक गॉड गाइस अपन लोग प्रो है भाई इससे। और ये क्या है, व्हाट इज दिस गाइस, आई थिंक ये फिनिश लाइन तक पहुंचने का आखिरी ऑब्स्टिकल है और बहुत अजीब तरीके से डिजाइन किया गया है इसको, बट हू केयर्स भाई ऐसे ऐसे ऑब्स्टिकल्स कुछ नहीं है भाई, देख रहे हो कितना इजीली कर लिया। ऑलराइट सो गाइस दैट्स गोना बी इट फॉर टुडेस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड दिस वन, इफ यू डिड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड या गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फ्रॉस्टी।